तो भोले भंडारी, आज दिनांक 24 फरवरी 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9950685851। मैं ईश्वर अल्लाह गॉड भाई को नमन करता हूँ। आज का वीडियो सुनिए। शाम का समय है। हमारे आज के अभी के वीडियो का विषय है आफतों से बचना। बहुत आसान, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल। आफतों से बचना बहुत आसान, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल। आप पूछोगे भाई ये कैसे है, मैं यही आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। भाई ये कैसे है, यह इसलिए है कि इस दुनिया का नियंता, सबका परमपिता ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके बच्चे मानो बड़ी मुश्किल में पड़ें। थोड़ी थोड़ी मुश्किल में पड़ें ये वो करता है जिससे वो शिक्षा ले लें, लेकिन वो ऐसी मुश्किल कभी नहीं दे सकता अपने बच्चों को कि उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए, भयानक बीमारी हो जाए, या फिर मर्डर हो जाए, या फिर भूकंप आ जाए कि भाई दब कर लोग मर गए, या फिर ऐसा इस तरह का वो अपने बच्चों के लिए दुख कभी नहीं देना चाहता। तो आप कहोगे कि भाई वो नहीं देना चाहता तो ये होते क्यों हैं? वे इसलिए होते हैं कि उसके बच्चे उसका कहना नहीं मानते। अब ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। सारी चीज, सारे नियम, सारा संसार हमारे सामने है, लेकिन हम अब ध्यान से देखते नहीं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। और हमें पता भी चल जाए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं तो भी अपनी लोलुपता में, अय्याशी में, अंधेपन में हम उनको ध्यान नहीं देते कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। सारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं और यदि वो हमारे समझ में नहीं आती तो भी भगवान हमारे पास खड़ा होकर बताता है कि भाई तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। और हमारे हृदय के तार झंझनाते हैं कि यह काम मत करो और ये करो, लेकिन हम सुनते ही नहीं। मैं आज देश में भविष्यवक्ता कुकुरमूर्ति की तरह उगाए हैं, यह होगा। मैं आपको बता दूं कि आज जो सारे लोग बोल रहे हैं, 2019 से ही मैं ये बोलने लगा था। वैसे तो कई दशकों से मैं ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन इन राइटिंग, इन डिजिटल वे 2019 से तो मैं बिल्कुल साफ साफ बोलने लगा हूँ कि भारत में ऐसा होगा। तो भाई ऐसा क्यों होगा? आपने पता था ऐसा? हाँ, मुझे पता था। आज जो भारत में लोग बोल रहे हैं और जैसा दिखाई देता है ऐसा होगा भी, ये बड़ी बहुत पहले से तय होता जा रहा है। ये आज का तय होना नहीं है, कई दशकों की बात है। जैसा मैं बोलता रहता हूँ कि भारत में ये हालतें पहले से बन रही हैं। अब चूँकि वो मैच्योर हो गई हैं हालातें, इसलिए अब ऐसा लोग बोल रहे हैं और ऐसा होगा भी कि भाई भूकंप में, भाई सुनामी में, भाई सिविल वार में, भाई NWO में और ऐसे ऐसे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ज़्यादा तो हम अपने कर्मों की वजह से ऐसा करते हैं। अब देखिए, चूँकि दुनिया की ज़्यादा परिस्थितियाँ को मैं नहीं कहता, लेकिन भारत में देखिए, भारत ने लोगों के साथ ऐसा बुरा जिससे सारा सोशल मीडिया पटा पड़ा है। क्यों होगा? इसका एक कारण है और वो साफ साफ कारण है। भाई क्या कारण है बताओ? उसका कारण है भारत का अभिशप्त धन, क्योंकि भारत का 95% धन अभिशप्त है। इस वजह से हो रहा है। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत में जो धन का संचालन है उसमें 95% मनी इज
अंडर कर्स, वह इसको करवा रहा है। अभी ये बहुत से लोगों को इसका पता ही नहीं है, और जिनको पता है उनकी चलती नहीं। तो भारत को आने वाली मुसीबतों से बचना कितना आसान है, बट थोड़ा सा मुश्किल है। अब यह अलग फिर अभिभाषण बनता है कि भारत का धन अंडर कर्स क्यों है, क्यों अभिशप्त है। क्योंकि भारत के धनवान लोगों के पास, 95% लोगों के पास जो धन इकट्ठा हुआ है, चाहे वो अभी दिखता हुआ नौकरी से आ रहा हो, धंधे से आ रहा हो, जैसे भी आ रहा हो, लेकिन ये जो धन आया है ये कभी न कभी भूखे नंगे गरीबों को सताने की वजह से आया हुआ है। वह चैनल ऐसा बना है कि पैसा ऑटोमेटिकली यहीं आता है और यहाँ नहीं आए। लोगों को रुला कर, पीट कर, मार कर, भूखा मार कर, ऐसा करके बेइज्जती करके, नियम बना करके, अपने दादागिरी से ऐसा सिस्टम किया गया है कि लोगों के पास धन तो बहुत है, लेकिन वो 90-95% धन तो अभी सब है। लोगों को खुद धन मार देगा, क्यों? क्योंकि वह अभी सब है। इसलिए भारत में जो भयानकता से लगते ऐसा ऐसा होगा, और वो ज़्यादातर में होगा, उसको अवॉइड करना कितना आसान है, उससे बचना कितना आसान है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे? कि लोग इस फैक्ट को जानें जो मैं जान रहा हूँ, और उसका उसके बाद उस धन को वहाँ जाने दे जहाँ से वो आया है, क्योंकि आफ्टर ऑल वह धन वहीं जाकर रहेगा जहाँ का वह धन है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 1000 साल बाद वो जाए, लेकिन वह अपना कोर्स ऐसे ही लेगा। वह धन उधर ही जाएगा जहाँ से वह अचल है, और बुरा कर कर के जाएगा। और देखिए कितना आसान है बचना आफतों से। देखिए, आप अपना धन किसी को नहीं दे सकते मान ले, लेकिन आप धन मत लो, आप उसका इंडिकेशंस दें। यदि 100% जो आपको करना चाहिए उसका 1% भी करें, तो भी आप आफत से बच जाएंगे। इसको देखिए, यदि भारत के लोगों में दिमाग हो, उनको समझ आ जाए, वे अपना अहम छोड़ दें और पता चल जाए कि भारत के धनवानों की आफतें उस अभिशप्त धन की वजह से बढ़ने वाली हैं, तो वह अपना पूरा धन मत दो। सिर्फ एक ये उस तरफ ही दौड़ें कि धनवान लोगों जिनके पास समय है, धन है, नाम है, रुतबा है, जिनका नाम अखबार में आता है, या जिनकी चलती है, या जो भी समाज के धनवान हैं, गणमान्य हैं, ताकतवर हैं, ठेकेदार हैं, इस बात को समझ जाएं। और वो सिर्फ झुंड बना बना कर इकट्ठा कर करके इस बात को समझें और इसको प्रोपोगेट करें और चलें वो काम करने। क्या कि गरीबों को शिक्षा क्यों नहीं मिलती, इनको मिलनी चाहिए। लोग प्रेम विवाह करते हैं सामाजिक आधार पर, उनके इतने अड़ंगे लगाए जाते हैं कि आखिर वो सुसाइड कर लेते हैं। नवविवाहित जोड़े कितनी बार ट्रेनों के सामने आकर कट जाते हैं, इसका ध्यान रखें। लेकिन ध्यान कौन रखे? वे यही कोशिश करें कि देश में मिलावटी खाना कैसे चल रहा है, या वे ये करें, कुछ भी करें थोड़ा थोड़ा ही, तो उनकी आफतें कम हो सकती हैं। पूरा मत करो, देखो, वरना जो ये बोल रहे हैं भविष्यवक्ता भी, जो मैं बोल चुका हूँ, जो नास्त्रेदमस या फलां फलां बोल रहे हैं, वे सारे सत्य सिद्ध होंगे। भारत में ऐसा चीत्कार मचने वाला है, मचेगा, क्योंकि यहाँ के लोग टस से मसी नहीं होते। हमको ये धन हमारा तो हमारा, 10% लोगों के 90% जज तो हमारे, और ये मीडिया हमारा तो हमारा, जज हमारे तो हमारे, पैसा हमारा तो हमारा, हमारे लोग 10-20 हज़ार करोड़ रुपये बाहर ले जा रहे हैं तो ले जा रहे हैं। वानी इतनी बातें हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। कितनी निडरता, बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ जो भारत में चलता है, उसका कोई सानी नहीं। और ये भयानकता से भारत
गिरेगा, इसको हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि रोकने का कारण एक हम जानते नहीं हैं, जाने तो कोई करे नहीं। अब ये कैसे होगा, ये चाहे भविष्यवाणी समझ लो या एक रिजल्ट समझ लो, रिसर्च समझ लो, यह भारत का हेटरोजीनियस समाज है, ये हम बताते रहते हैं। देखिए ये लोगों के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 10 नंबर हैं, ये लोग हैं, इनकी अट्टालिकाएँ इतनी छोटी हैं, झोंपड़ी हैं, फिर बड़ी हो जाती हैं, फिर बड़ी होती जाती हैं, ये बड़ी अट्टालिकाओं वाले हैं, और ये है, ये उनकी सफरिंग है। अब जो हो रहा है मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों की अट्टालिकाएँ कम ऊंची, उनकी सफरिंग ऐसे ऐसे होगी लोगों की, वह क्या सुनो, वंस सफरिंग विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हिज हर हाइट ऑफ स्टोरेज, दैट इज प्रोस्पेरिटी, दैट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा असेट्स लाइक दिस। अब जो होगा देखिए, अब जो होगा भारत के लोगों की सफरिंग इस तरह से होगी, जितने वो धन में ज़्यादा होंगे, असेट्स में ज़्यादा होंगे, ताकत में ज़्यादा होंगे, और पद में ज़्यादा होंगे, धर्माध्यक्षता में ज़्यादा होंगे, उनकी सफरिंग उनकी झोंपड़ियों की ऊंचाई के अनुसार होगी। यानी ज़्यादा धनवान ज़्यादा सफरिंग, ज़्यादा पैसे वाला ज़्यादा सफरिंग, ज़्यादा बड़ा धर्माध्यक्ष ज़्यादा सफरिंग, और जो जितना ही कम होगा उनकी सफरिंग भी कम होगी। यह छोटे स्टोरेज वाले झोंपड़ी वालों कि इधर देखिए सफरिंग भी कम होगी, ये इधर से उधर हम जैसे ये हाइट्स की तरफ बढ़ जाते हैं, ये हाइट वाले उनकी सफरिंग, ये वाले जो है उनकी सफरिंग भी ज़्यादा होगी। तो देखिए यह हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन बनाया, इसका ऐसे रख दिया, तो यदि इसको ऐसे नोमेनक्लेचर कर देते तो उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाता। आप समझिए हम क्या कह रहे हैं कि ये इस तरह से होगा, क्यों होगा, क्योंकि सफरिंग अब इस जिसके पास ज़्यादा धन है इसके आधार पर बढ़ेगी, ज़्यादा धन वाला ज़्यादा सब आफत में पड़ेगा, ज़्यादा सफरिंग में पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, कि वह धन अभिशप्त है, वह धन अपना निश्चित समय पर अब आकर ही ये असर दिखाएगा और दिखा रहे हैं। इसको ऐसे ही समझ लीजिए, सपोज करो किसी शहर में किसी भूकंप आता है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग गिरती हैं, एक मंजिले इमारतें गिरती हैं, और जिनके पास एक मंजिल भी नहीं है और जिनके पास सिर्फ झोंपड़ी उनकी भी गिरती हैं, तो साफ है मल्टी स्टोरीड वालों को ज़्यादा नुकसान होगा, एक मंजिल वालों को उससे कम नुकसान होगा, और झोंपड़ी वाले तो लगभग बच जाएंगे। मेरा मतलब कहने का यह है कि समय की गति कब क्या होती है, वह समय की गति उल्टी भी हो सकती है। इसलिए आफतों से बचना बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ा सा मुश्किल है। यह इस बात का एक चित्र दिखाता है कि आने वाले भारत में क्या होगा। कोई कहता 2023 में हो जाएगा ऐसा होगा, 2024 में तो ऐसा हो जाएगा, ये गिरेगा वो गिरेगा, ये मरेंगे वो गिरेंगे। यह सब हमारे कर्मों के अनुसार ये हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम थोड़ा सा भी नहीं सोचते। अब तुम ये कहोगे कि भाई ऐसा हो रहा है, यह भूकंप भी अपने कर्मों के अनुसार आते हैं, हमारे विचारों के अनुसार आते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के अनुसार आते हैं, तो उस समय दूसरे देशों में क्या है। तो सुनो, वह परमात्मा इतना अद्भुत है, इतना विशाल है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वह जानता है कि एक काम से वह हजारों काम करता है, और हजारों काम कैसे करता है, जब वह भूकंप देता है या अच्छाई या वर्षा करता है, जो भी करता है उससे हजारों लोगों को फायदा और नुकसान होता है। हिज प्लान इज लाइक दैट। उसको ये भी पता है कि मेरे बरसात करने से इस चींटी को क्या फ़ायदा होगा, इस पेड़ को क्या फ़ायदा होगा, ये चीज़ बह जाएगी या इसको नुकसान होगा, हर चीज़ की उसके पास कैलकुलेशन है। लेकिन हम भगवान को जान ही नहीं। भगवान का ग्रेटिट्यूड तो ऑफर करना अलग बात है, उल्टा उसको
गाली देते हैं और उसके विरुद्ध बोलते हैं और इस तरह से। और जो बच्चे अपने पापा के लिए या परमात्मा के लिए ऐसा करेंगे उनको तो कोई नहीं बचा सकता। इसलिए लंपसम टोटल सम जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे विचार रहे हैं, जिनके लिए हम लायक हैं, वही आ रहा है। कुछ भी बुरा नहीं हो सकता इफ़ यू डू नॉट एंटाइटल। इसलिए लोगों, आज भी चेत जाओ, भारत में चेत जाओ, देश के धनवानों, गणमान्यों, ताकतवरों, ठेकेदारों, नेताओं, अफसरों, जजों, क्या जिनके पास में भी ताकत है, धन है, ये है, सारों का भयानक नंबर आ रहा है, पिटने का, लूटने का, मारे जाने का, जो भी है बहन बेटियों के साथ उसका, और वह इसी तरह से आएगा, बिकॉज इंडियन मनी इज कर्स, इट इज डायरेक्टली अंडर कर्स टू देयर डीड्स टू देयर मनी। उनकी मनी के अनुसार वह अभिशप्त हैं लोग, क्योंकि वह मनी ही बड़े अभिशप्तता से आया है, लोगों को तंग करके, भूखा मार के, उनको कीड़े मकोड़े बना करके, ऐसा हमारा इतिहास रहा है। इसलिए ऐसा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।